मेरी नज़र उन कंपनीज में ज़रूर जाती है जो कि अपने टॉप से 25-30% के डिक्लाइन पे हो और कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हो और आने वाले फ्यूचर में इम्प्रोवाइज होने वाले हैं। सिंपल सी बात है, कंपनी का नाम है PCBL, इंडिया की कार्बन ब्लैक कंपनी के अंदर कंपनी नंबर वन प्रोड्यूसर है और कंपनी ने लास्ट ईयर एक कंपनी खरीदी थी एक्वा फार्म। 4,000 करोड़ की कंपनी खरीदने के बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को वेल डाइवर्सिफाई कर दिया है क्योंकि कार्बन ब्लैक उनका कोर बिजनेस था। न्यू बिजनेस जहाँ पे कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है वहाँ पे कंपनी हमारी फॉस्फोनेट बनाती है। आपको ये समझना पड़ेगा गूगल पे सर्च करके कि ये केमिकल की यूजेज कहाँ पे है, आपको समझ में आएगा वाटर रिलेटेड बिजनेस के अंदर आपका फॉस्फोनेट केमिकल यूज होता है और इसकी आप इंडिया के अंदर नंबर वन प्रोड्यूसर है एक्वा फार्म। आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज के अंदर अगर आपका कोई केमिकल प्लेयर आ रहा है जिसको एक्वायर किया गया है PCBL ने, तो ये समझना पड़ेगा कि अगर शेयर प्राइस में डिक्लाइन आया है एक राइट टाइम है अपनी स्टडीज पे काम करने का और फ्यूचर पे ये सोचने का कि मेरे पास एक ऐसा बिजनेस था जहाँ पे मेरा कैश काउ बन चुका था कार्बन ब्लैक का, अब मैं अगर न्यू बिजनेस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन मार रहा हूँ और एक अनरिलेटेड बिजनेस है केमिकल सेक्टर के अंदर, तो कंपनी की विजन आपको समझ में आ जाएगी कि इंटीग्रेटेड केमिकल प्लेयर फ्यूचर में कंपनी दिखाई दे सकती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर कंपनी ने वाटर ट्रीटमेंट की जो कंपनी खरीदी है उसका फ्यूचर के अंदर एक तो लीडरशिप पोजीशन अभी इंडिया के अंदर है, वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज के अंदर आती है ग्लोबली, और ऐसा बिजनेस होने वाला है फ्यूचर के अंदर जहां पे वाटर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इस केमिकल का होना बहुत ज़रूरी है। आपको गूगल पे ऐसी इंफॉर्मेशंस फ्री में मिल जाती है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि इस केमिकल की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है और ये चीज़ें आपको कंपनी की प्रेजेंटेशंस में भी दिखाई देती हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी की विजन क्या है। विजन कंपनी की ये हो सकती है कि मेरे को आज की डेट में सपोज़ 5,000 करोड़ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे को 15,000 करोड़ पे जाना है। आप कंपनी की मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंटली ये समझ सकते हैं कि अगर उनकी विजन यहाँ तक जाने की है 15,000 करोड़ पे, तो उसके लिए उनको नए बिजनेस में एंट्री लेनी पड़ेगी और यही सही काम किया कंपनी ने। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा बड़े बिजनेसेस खड़े करने के लिए न्यू बिजनेसेस के अंदर एंट्री लेनी पड़ती है। एंट्री लेने के लिए 2 तरीके हैं, एक है अपने नए बिजनेस को ज़मीन से खड़ा करें या फिर एक ऐसी कंपनी को खरीद लें जो कि ऑलरेडी ये काम बहुत सालों से कर रही है। यहाँ पे PCBL का प्लेयर जो मुझे कंपनी की मैनेजमेंट का समझ में आया वो ये है कि उन्होंने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक ऐसे लेवल पे आके खड़ा कर दिया है और कंपनी अब एक्विजिशन करके एक नए बिजनेस के अंदर भी एंट्री ले रही है जो कि हमारा वाटर ट्रीटमेंट का केमिकल का बिजनेस है। यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा अगले 5-10 साल के टीम पीरियड में कि कंपनी एक इंटीग्रेटेड केमिकल प्लेयर के नाम पे जानी जाएगी, ना कि एक सिंगल प्रोडक्ट के नाम से जानी जाएगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सही लेवल पे शेयर प्राइस अगर मिल रहा है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी।